हाँ थोड़ा थोड़ा। सो यहाँ पे कुहरत का भात खाने बैठ गए हैं सब। मुझे आलस आ रहा है, मैं थक गई हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं है वहाँ जाके खड़े होकर व्लॉग बनाने का, तो आप लोग ऐसे ही देखें। सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आरोही सिंह। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, यहाँ से मैंने ब्लॉग दोबारा से कंटिन्यू करा है, बिकॉज वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो पार्ट टू आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको पूरी शादी देखने को मिलेगी। सो अभी हम चाय पीने के लिए बाहर गए थे और हमने पी फिर यहाँ पर चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, लेकिन घर पर जाने के बाद मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी क्योंकि मैं बाहर गई थी। और यहाँ पे गाइस जितने भी बच्चे थे ना, सारे बच्चे मुझसे इतना प्यार कर रहे थे, बड़े तो बड़े मेरे से, बच्चे भी मेरे साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमारी सुंदर सी ब्राइड बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। दीदी इतनी सुंदर लग रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी, एकदम डॉल जैसी लग रही थी। मन कर रहा था कि बस बार बार मैं इनकी नज़रें उतारती रहूँ। सो आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो गाइस, यहाँ हम फाइनली रेडी हो चुके हैं और मैं अपना फाइनल लुक आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। अभी पहले मैं आपको दुल्हन को दिखा देती हूँ। देखो अभी दी का भी फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, हालांकि रेडी हो चुके हैं पर फिर भी बाद में। और मैंने लेंसेज लगाए हैं आज, और ये मेरा सेल्फ मेकअप है, जैसे मैंने अपना मेकअप खुद किया है। बस केस्टर मैंने मेकअप आर्टिस्ट से बनवाया है, ऑलमोस्ट सब कुछ खुद किया है, पूरा लहंगा भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। गाइज़, ज़्यादा तो मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई, बिकॉज मैं ना उस चीज़ को इन्जॉय करना चाहती थी, तो मे बी आपको छोटी छोटी क्लिप्स ही देखने को मिलेंगी, बट मिलेंगी। सो गाइज़, पता है यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, कि जीजू ना मतलब अपने घुटनों के बल बैठ गए और फिर दीदी ने उनको माला पहनाया, तो यार ये सबसे बेस्ट मोमेंट लगा। मतलब जीजू इतने स्वीट थे, इतने केयरिंग थे। और गाइज़, है दोनों की अरेंज मैरिज, बट वाइफ ना एकदम लव मैरिज वाली आ रही थी। सो यहाँ पे तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि जीजू ऐसे बैठे हैं, और दोनों साथ में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सो गाइज़, मैंने प्लेट ले रखी थी, और आदिति ने गोल्ड के रिंग वाली प्लेट ले रखी थी, और एक शिल्पी उनकी सिस्टर थी, उन्होंने वो पूजा की थाली ले रखी थी। सो ये सारी चीज़ें हम लेकर गए थे ऊपर, और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। सो गाइज़, मैंने पहना है ये बेबी पिंक कलर का लहंगा, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा था मुझ पर, और इतना सुंदर लहंगा लग रहा था गाइज़। सो गाइस, सिंदूर दान जब हो रहा था ना, तो मैं मम्मी को कुछ सामान देने के लिए अंदर चली गई थी, इसलिए मैं देख नहीं पाई। लेकिन गाइस, जैसे ही दीदी के मांग में सिंदूर पड़ा ना, दीदी इतनी सुंदर लग रही थी, एकदम चेहरा उनका खिल गया था। कई सिंदूर पड़ने के बाद ना लड़की का चेहरा बहुत खिल जाता है, वो बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। पर दीदी का ना रो रो के इतना बुरा हाल था गाइस, दीदी बहुत रो रही थी, आप लोग देख भी सकते हो कि वो कितना ज़्यादा रो रही थी। सो गाइस, फाइनली वो टाइम आ गया जो हम लड़कियां कभी नहीं चाहती, कि हम अपने घर वालों को छोड़कर जाएं या उनसे दूर जाएं। दीदी बहुत रो रही थी, सब लोग रो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे विदाई हो रही थी दीदी की। और गाइस, पता है ये टाइम ना इतना इमोशनल होता है ना, कि बचपन से हम उस घर में रहे हैं अपनी मम्मी पापा के पास, और उनको छोड़ के हम जा रहे हैं। सो कुछ लोग दीदी के साथ थे, कुछ लोग मम्मी के साथ थे, आदिति और दीदी के साथ थे, वो दीदी को चुप करा रहे थे, मैं मम्मी के पास थी, मम्मी के साथ थी। सो मैं क्या बोलूँ, दीदी इतना रो रही थी ना मुझसे, बिल्कुल मतलब देखा नहीं जा रहा था यार ये विदाई वाला सीन।
बहुत मुश्किल समय होता है बहुत। कभी मैं अपना फ्यूचर इमेजिन करती हूँ ना तो मतलब यू नो मेरी रूह एकदम कांप से जाती है कि यार मैं कैसे रहूँगी अपने घर वालों को छोड़ के, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर क्या करें गाइस, जाना पड़ता है। और ऐसा कहते हैं कि विधि का विधान है, राजा महाराजाओं ने अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखा तो हम कैसे रख सकते हैं, पेरेंट्स हमारे ऐसे बोलते हैं। सो बस यही है कि अब दीदी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहें जीजू के साथ। जीजू बहुत अच्छे, वो ना वो तो बेस्ट जीजू हैं, वो इतने केयरिंग है सारी चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइस आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने वैसे इन्जॉय तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले किया होगा, बट जो लास्ट वाली क्लिप्स है वो बहुत ही इमोशनल है। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।